हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज हमारे पास है अपना पैसेज फर्स्ट है, ये टेस्ट थर्ड है और बुक है हमारी फर्स्ट का ही, स्पोकन कॉर्प्स कम्स टू लाइफ। तो इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कुछ है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो ए का है हमारा वो है आंसर सिक्स, क्यों है अभी बताते हैं। ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मेथड्स, पुराने मेथड्स की बात की गई है इसमें। ए में ही देख लीजिए, द कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज हैज बीन हिस्टोरिकली, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनली द प्रोविनेंस होता है उत्पत्ति ऑफ स्टडियस प्रोफेशनल टाइप्स, अलग अलग तरह के उसके टाइप्स थे, यूजली बी स्पेक्टेकल्ड हु लव टू पोर ओवर वेटी टोम्स एंड मेक प्रोनाउंसमेंट्स ऑन द फाइनल नाउंसिस ऑफ मीनिंग। मतलब ये उनका एक मेथड था भाई, ठीक है, कि वो बारीकियों से उसका मीनिंग निकालते थे। टूम्स होता है जिल्द चढ़ाना और उसमें पोर ओवर वेटी भारी जिल्द रखते थे, ठीक है। दे वर प्रोबेबली गुड एट क्रॉसवर्ड्स में अच्छे थे एंड शायद डेफिनेटली न्यू अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बट द इमेज वॉज ऑलवेज रादर डस्टी और ड्राई एंड डस्टी थी उनकी इमेज। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब की आ गई एंड सिंपल टेक्नोलॉजी एट दैट, यानी आज, इज रेवोल्यूशनाइजिंग द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी एंड द वे दे आर पुट टूगेदर। तो आज के एग्जाम्पल देके इन्होंने कंपेरिजन भी किया है, तो ये मतलब ये पुराने की बात बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा सिक्स। और देख लीजिए ऑप्शन, ग्रामर इज करेक्टेड, कोई ऐसी बात हुई हो, न्यू मैथड ऑफ रिसर्च, नहीं, टेक्नोलॉजी लर्न्स, टेक्नोलॉजी सीखती है डिक्शनरी से सीखती है टेक्नोलॉजी, नॉन वर्बल कंटेंट, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले हुए कंटेंट, जैसे कोई इमोशंस वगैरह। द फर्स्ट स्टडी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, फर्स्ट स्टडी की बात हुई हो, ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मेथड्स, रिटन इंग्लिश टेल्स द ट्रूथ, न्यू फ्रेजेस हुई हों एंटर डिक्शनरी में, कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट हो, एक्यूरेट वर्ड फ्रिक्वेंसी काउंट्स, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस प्रोवाइड। तो यही सुटेबल बैठता है भाई आपके लिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना बी, बी का हमारा है सेकंड, द मेथड ऑफ, न्यू मेथड ऑफ रिसर्च, न्यू मेथड की बात होगी इसमें रिसर्च के। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्शनरी पब्लिशर्स आर इनकॉर्पोरेटिंग, कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे क्या इस चीज में, रियल स्पोकन इंग्लिश इन टू दियर डाटा। इट गिव्स लेक्सिकोग्राफर्स या पीपल हु राइट डिक्शनरीज, उनको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर्स, एक्सेस टू अ मोर वाइब्रेंट अप टू डेट वर्नाकुलर लैंग्वेज विच हैज नेवर रियली बीन स्टडीड बिफोर, जो पहले स्टडी नहीं की गई थी। इसमें भाई ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक रिसर्च की, उसके लिए एक मेथड यूज किया इन्होंने। इन वन प्रोजेक्ट 150 वॉलंटियर्स ईच एग्रीड टू डिस्क्रीटली टाई अ वॉकमैन रिकॉर्डर, दिया गया सभी को बांधने के लिए उनकी वेस्ट पर, एंड लीव इट रनिंग फॉर एनीथिंग अप टू टू वीक्स, टू वीक्स तक उसको चलने दिया। एवरी कन्वर्सेशन दे हैड वॉज रिकॉर्ड की गई। वेन द डाटा वॉज कलेक्टेड द लेंथ ऑफ टेप्स वॉज 35 टाइम्स द डेप्थ ऑफ अटलांटिक ओशन, लेंथ थी जो टेप की वो बन गई 35 गुना अटलांटिक ओशन की गहराई से भी। टीम्स ऑफ ऑडियो टाइपिस्ट ट्रांसक्राइब द टेप्स टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस ऑफ 10 मिलियन वर्ड्स का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया। तो एक ये न्यू मेथड था इनका रिसर्च करने के लिए, इसमें दिया हुआ है जो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब एक और बात ध्यान देने वाली है भाई, सी अभी हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि सी का इन्होंने पहले ही आंसर दिया हुआ है। हम डी की तरफ चलते हैं और इसका हमारा आंसर है 10th, एक्यूरेट वर्ड फ्रिक्वेंसी काउंट्स। देखिए सी हम नहीं पढ़ेंगे, हम डी पे हैं, एक्यूरेट वर्ड फ्रिक्वेंसी काउंट्स।
दिस काइंड ऑफ रिसर्च वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर्स. ठीक है, सैड डेलिया समर्स अ डायरेक्टर ऑफ डिक्शनरीज. इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे लेक्सिकोग्राफर्स वर्क. अब यहाँ आते हैं. इफ यू लुक एट द वर्ड लाइक, यू मे इन्यूटिवली, यानी सहज ज्ञान अगर हमें है हम उससे सोचेंगे, थिंक दैट फर्स्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट मीनिंग इज द वर्ब. यानी कि लाइक एक वर्ब है, वर्ब की तरह यूज होता है. लाइक आई लाइक स्विमिंग. इट इज नॉट, इट इज अ प्रेपोजिशन. एक प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है, ये कह रहे हैं. एज इन शी वॉक्ड लाइक अ डक. जस्ट बिकॉज अ वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड डजंट मीन इट एंड्स अप इन डिक्शनरी. अगर जी से यूज देखी जाता कि ये इन्हीं मीनिंग के साथ डिक्शनरी में खत्म होगी. द शिफ्टिंग आउट प्रोसेस इज एज वाइटल एज ever, but the database does allow lexicographers to search for a word and find out how frequently it is used. Word ko dhoondna hai, wo kaise isko use kiya jata hai, is baat pe depend karta hai. Something that could only be guessed at intuitively before. To answer aapka rahega accurate word frequency counts. Ki isko dekhna hai ki isko use kaise kiya ja raha hai in words ko. Theek hai, koi counts ke liye isme ye nahi hai ki कोई नंबर्स दिए हैं. ठीक है, ई की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो कि है हमारा फोर्थ. इसका रहेगा आपका एट्थ आंसर. न्यू फ्रेजेज एंटर डिक्शनरी. न्यू फ्रेजेज आई हैं भाई डिक्शनरी के अंदर. देखिए Researchers have found that written English works in a very different way. Spoken English से different way में है भाई written English. The phrase say what you like literally means feel free to say anything you want. But in reality में क्या है, it is used evidence show दिखाने के लिए इसको use किया जाता है. By someone to prevent the other person voicing disagreement. The phrase it is a question of crops up on the database over and over again. It has nothing to do with inquiry, but it's one of the most frequent meaning phrases which has never been in language. Jo pehle kabhi nahi thi language mein. Learner's dictionary before, it is now. Ye ab hai bhai phrases jo use hoti hain in tarah se, jo kabhi pehle use nahi hui. To isliye aapka answer rahega new phrases wala, jo dictionaries mein aayi. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा फिफ्थ एफ है. फिफ्थ एफ का आपका आंसर रहने वाला है भाई फोर्थ. इनके भी लिख लेते हैं आंसर हमारे. टेंथ था और इसका था हमारा एट्थ. एफ का हमारा रहने वाला है फोर्थ. नॉन वर्बल कंटेंट. नॉन वर्बल कंटेंट इसमें दिखाया जाएगा जिसको बोला नहीं जाता, मतलब बोल के नहीं बताया जा रहा, उसको फील किया जा रहा है. यहाँ देखिए द स्पोकन कॉर्पस. द स्पोकन कॉर्पस मेथड. The spoken corpus computer shows how inventive and humorous people are when they are using language by twisting familiar phrases for effect. जब वो phrases को twist करते हैं. It also reveals the power of pauses and noises. जब वो pause लेते हैं बोलते हुए या noise अपनी noises मतलब sounds या noises है जो आ रही हैं उसको use करते हैं. जैसे प्ले फॉर टाइम, कन्वे इमोशन बताने के लिए, डाउट बताने के लिए, आयरनी बताने के लिए. जैसे कोई पोज लेता है बोलते हुए भी, तो उनसे भी हम बहुत कुछ समझते हैं ना कि ये पोज का मीनिंग क्या है. ठीक है, और जो नॉइजेज आ रही हैं उनका भी. तो इसलिए आपका इसका आंसर है जो वो रहेगा नॉन वर्बल कंटेंट. ये हमारा नॉन वर्बल कंटेंट है जी. देखिए जो हमारी लास्ट हेडिंग है भाई, जी का हमारा आंसर रहने वाला है नाइन्थ है हमारा अ कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट.
अभी देखते हैं कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ से है ये। अगर हम जी को पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ से देखिए, द स्पोकन कॉर्पस इज पार्ट ऑफ लार्जर ब्रिटिश नेशनल कॉर्प्स एंड इनिशिएटिव कैरिड आउट बाय सेवरल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं भाई इसमें, यानी कॉर्पोरेट कर रहे हैं एक दूसरे का, इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल्स पब्लिशर्स में, किन किन चीज़ों में इकट्ठे हैं वो इन्वॉल्व हैं, साथ दे रहे हैं मटेरियल्स में, पब्लिशर्स यूनिवर्सिटीज एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी, इसलिए इसका आंसर आपका जी रहने वाला है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 7 to 11, जिसमें इन्होंने वन एग्जांपल भी दिया हुआ है। 7 से पहले देखते हैं स्पोकन कॉर्प्स कंप्यूटर के बारे में बात, और करंट रियल लाइफ डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग, अब रियल लाइफ डाटा था जो उनका हमने देखा था, जो उन्होंने एक रिकॉर्डर की से यूज़ किया था, कलेक्ट किया था ड्यूरिंग रिसर्च नहीं है भाई, रिसर्च है, गलती से लिखा गया है, गलतियां सभी से हो जाती हैं। चलिए 7th देखते हैं, डाटा फ्रॉम डैश रिटर्न कॉर्प्स, डाटा लिया गया डैश रिटर्न कॉर्प्स से, अभी देखते हैं, आप सी में सी की फर्स्ट लाइन पढ़िए, दिस हैज़ बीन द बेसिस, यहाँ आपका वो पहले वाला है भाई, एक रिसर्च से लिया गया जो रिकॉर्ड की थी, ठीक है। अब देखते हैं, दिस हैज़ बीन द बेसिस अलोंग विद एन एग्जिस्टिंग रिटर्न कॉर्पस, एग्जिस्टिंग जो पहले से ही एग्जिस्ट है वो रिटर्न कॉर्पस, तो यहाँ पर आपका डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिटर्न कॉर्प्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कीवर्ड्स एंड डैश, अब लैंग्वेज एक्टिवेटर के पार्ट्स हैं, कीवर्ड्स कहाँ मिलेगा उसके साथ, देखिए क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, एंड है और, यही चलिए इसकी सी की ही 5th लाइन में देखते हैं, इन द डिक्शनरी कीवर्ड सच एज ईट, एक तो कीवर्ड्स हो गया, दूसरा देखते हैं और क्या है, ईट आर फ्लोड बाय रिलेटेड फ्रेजेस सच एज वोल्फ डाउन, तो कीवर्ड्स हैं एक क्या है उनके साथ फॉलो की चीज़ के द्वारा किया जा रहा है रिलेटेड फ्रेजेस, आप अकेला फ्रेजेस भी लिख सकते हैं या फिर रिलेटेड फ्रेजेस। अब नेक्स्ट देखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डैश ऑफ वर्ड्स, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, अब वर्ड्स का क्या चीज का यूज है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, इसी में डी में देखिए, अब 4th लाइन में, 3rd से शुरू करते हैं थोड़ा सा पढ़ना, इफ यू लुक एट द वर्ड लाइक यू मे इनिट्यूटिवली थिंक दैट द फर्स्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग इज द वर्ब, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या यूज हो रहा है भाई, मीनिंग, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका मीनिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मीनिंग ऑफ द वर्ड। डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड डैश यूज, अब डिफरेंस देखिए रिटन और किस चीज में डिफरेंस था, हमने ये देखा था भाई ई में फर्स्ट लाइन में ही, रिसर्चर्स हैव फाउंड द रिटन इंग्लिश वर्ड्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, रिटन इंग्लिश किससे डिफरेंट है, स्पोकन इंग्लिश से, तो इसलिए आंसर रहेगा आपका स्पोकन इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश यूज, डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन यूज, ठीक है, स्पोकन कर दीजिए ओरल हो आपका आंसर। अब हम देखते हैं अपना 11th, द पोर्ट्रेयल ऑफ फीलिंग्स, हमने अभी फीलिंग्स देखी थी थ्रू, फीलिंग किस चीज के थ्रू वो शेयर कर रहे हैं अपने, यहाँ आया था कन्वे इमोशंस एफ की लास्ट लाइन में, कन्वे इमोशन किस चीज के द्वारा, डाउट आयरन या कन्वे इमोशन हो फीलिंग्स हो, किस चीज से शोर कर रहे हैं वो, पॉजेस एंड नॉइजेस से, तो आंसर रहेगा आपका, या तो आप नॉइजेस या अकेला पॉजेस या फिर दोनों भी लिख सकते हैं। अब लास्ट देखिए ए टू डी में से हमने बताना है इसमें व्हाई वाज द आर्टिकल रिटन, ये क्यों लिखा गया, टू गिव एन एग्जांपल ऑफ करंट डिक्शनरी, कोई ऐसी करंट डिक्शनरी का एग्जांपल देने के लिए लिखा गया वो पूरा आर्टिकल, नो हम पूरा पढ़ चुके हैं क्योंकि
सीक और छोड़कर हमने सभी पैराग्राफ रीड कर दिए हैं। टू अनाउंस अ न्यू अप्रोच ऑफ डिक्शनरी राइटिंग, हाँ अनाउंस किया है एक नई टाइप की डिक्शनरी का इन्होंने, न्यू अप्रोच ऑफ कि डिक्शनरी को नए तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। टू शो हाउ डिक्शनरीज हैव प्रोग्रेस्ड ओवर द ईयर्स, कोई ऐसे कंपैरिजन दिया हो कि हाँ पहले डिक्शनरीज ऐसी थी फिर ऐसी बनी ओवर द ईयर्स में और फिर आज ऐसी हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया। टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ डिफरेंट डिक्शनरी, को कंपेयर किया गया हो सारे पैसेज में, पूरे आर्टिकल का बताना है भाई, नो no. तो आपका आंसर रहेगा बी, टू अनाउंस अ न्यू अप्रोच टू डिक्शनरी राइटिंग। थैंक यू।